जय भीम साथियों। तो आज है बुद्ध पूर्णिमा, पे बैक टू सोसाइटी की तरफ से आज रखा गया है एक बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर कार्यक्रम। यहाँ पे अभी हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पे विजयपुर गुरु रविदास गुरुद्वारा विजयपुर छन्नी में है जो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तैयारियाँ जो हैं ये काफ़ी अच्छी होके रखी हैं यहाँ पे जितनी भी हैं। तो इस मंदिर को सजा दिया गया है आज बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर छोटा सा जो कार्यक्रम रखा गया है। चलिए देखते हैं उसके ऊपर क्या क्या तैयारियां की गई हैं और लगभग 12 बजे ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति है तो यहाँ पे सफाई वगैरह चल रही है, फूल वगैरह रखे जा रहे हैं। जो भी साथी हैं बड़े तन मन धन से यहाँ पे जो है ये तैयारी कर रहे हैं, सजावट का काम कर रहे हैं। थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें सज जाएंगी और जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा हम ये सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे कार्यक्रम चलेगा और क्या क्या हो रहा है। अभी जो है वर्क चल रहा है, थोड़ी एक घंटे के अंदर अंदर प्रोग्राम जो है शुरू हो जाएगा। जितने भी हमारे साथी हैं वो काफ़ी जो है बैकग्राउंड वर्क जो है वो कर रहे हैं, आगे भी काम चल रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए आप तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तैयारी हो चुकी हैं, भगवान का प्रबंध किया है। जो भी लोग आएंगे यहाँ पे अपने 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 श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पीछे से दिखाते हैं जो लोगों के बैठने का बंदोबस्त जो है ये पूरा काफ़ी सारी कुर्सियाँ जो हैं वो लग चुकी हैं। तो लोग जैसे ही कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो जैसे जैसे कार्यक्रम चलता जाएगा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कार्यक्रम पूरा का पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप अभी हम पहुंच चुके हैं लंगर वाली जगह पे। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं हमारे जो साथी हैं यहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन से लगे हैं। चावल इस समय आप देख रहे हैं चावलों की धुलाई चल रही है। तो हमारे दो तीन साथी यहाँ पे आप देख सकते हैं पतीला चढ़ चुका है, उधर सगला जो है वो भी चढ़ चुका है जिसमें दाल जो है आज का जो लंच का कार्यक्रम जो है रखा गया यहाँ पे। लगभग 2-2.5 बजे का टाइम है तो जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उनको लंच करवाया जाएगा, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, बैकग्राउंड वर्क चल रहा है यहाँ पे। अभी जी भी यहाँ पे जो है हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो, तो ये भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो हम अभी जी से पूछते हैं, अभी जी आप हमें बताएंगे कि ये कब तक जो है आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ये लंगर कब तक तैयार हो जाएगा और कितने बजे शुरू करने वाले हैं? अच्छी शेड्यूल में मेंशन है कि लंगर जो है 2 बजे तक तैयार हो जाएगा, तो एग्जैक्ट 2 बजे लंगर बन जाएगा। 300 बंदों का प्रोग्राम रखा हुआ है, वो 300 बंदे का लंगर हमने बना दिया हुआ है। हमारे साथ बीने जी सेवादार हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, और अपने सतपाल जी हैं वो भी एक्सपर्ट हैं, हलवाई एक्सपर्ट, तो उनकी देख रेख में ही सारा काम चल रहा है। तो बस यही प्रोग्राम है सर। जय भीम, धन्यवाद अभी जी। तो इन्होंने बताया हमें लंगर का जो लगभग तैयार 90% तैयार हो चुका है, तो बस कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है हम आपको सीधे ले चलेंगे कार्यक्रम के पास और पूरा इस वीडियो के माध्यम से आप कार्यक्रम दिखाएंगे और जो भी यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सब दिखाने का प्रयत्न करेंगे। जय भीम। जी हाँ, विजय सर ने एक गल आखी कि बुद्ध वंदना का प्रोग्राम जिहड़ा है वो सारा पहला हो, तो बुद्ध वंदना हमेशा जिहड़ी है वो थल्ले पई है ना। तो सारे की यह बेनती है कि सारे 10 मिनट वास्ता एक लाइन दे विच सारे आ जाए ताकि मैम जिहड़ी आ पासे की बुद्ध वंदना कर सके पूरा एक बराबर लाइन दे विच। Thank you.
मैं फिर नहीं करूंगा। तो मां को समझ लगी कि ये चोर है, तो मॉन्क ने उसको पूछा कि भाई आप क्या करते हो, उसने कहा कि मैं चोरी करता हूं। चोरी करते हो, कहते हैं हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद बीके बोल सर का, जिन्होंने अद्भुत की जीवनी के ऊपर उनके मार्गदर्शन के ऊपर इतना प्रकाश डाला और काफी बातें बताई। जो सूत्रधार हैं एडवोकेट अनिल बोल सर, तो पहले कि उन जीने दे क्या वो इस रस्ते पर जीता रहूंगा, मैं पूरी जिंदगी भर जेके गल्ला की है दसियां उस रस्ते पर रखे। एक गल को सर की मेरी गल नहीं है, एक गल को सर की जिन्हें आस अपना भगवान मनने अपना गुरु मनने जिन्हें आस दिल तालियों से हौसला अफजाई बढ़ाई है। रवि संग्राम जय भीम साथियों, तो आज का जो कार्यक्रम रखा था बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, तो वो हमारा कार्यक्रम अब ख़त्म हो चुका है। तो हमारे सारे साथी जो हैं, जो वर्किंग कमेटी है, वो अभी यहीं पे हैं जो कार्यक्रम को कंक्लूड कर रहे हैं। तो जो बची कुछ काम है वो ख़त्म कर रहे हैं, बाकी लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो कार्यक्रम जो जितना भी हुआ, जो भी उसमें इवेंट्स हुए, वो हमने सब आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाई। तो बाकी काम आप देख सकते हैं, थोड़ा सा काम बचा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा जो हमारा ग्राउंड वर्क है थोड़ा सा दिखा दे, कि अभी हमारे ये बर्तन वगैरह जो हैं ये साफ़ होने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं थोड़ी साफ़ सफाई। बाकी मेरे सारे साथी जो हैं ये अभी इसी काम में जो हैं लग जाएंगे और हम फिर काम ख़त्म करके जो हैं घर जाएंगे। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि 13 और 14 को जो है यहीं पे गुरुद्वारा जो छन्नी है, यहाँ पे गुरु रविदास गुरुद्वारा छन्नी, यहाँ पे वॉलीबॉल की टूर्नामेंट करवाई जा रही है पेबैक टू सोसाइटी की तरफ से। तो जो भी लोग, जो भी प्लेयर हैं वॉलीबॉल के, जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो वो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंट्री फीस कोई नहीं है। तो आपसे गुजारिश है जो भी प्लेयर हैं वो संपर्क करें और वॉलीबॉल की टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। जय भीम।